अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहे और जल्दी से इंग्लिश सीख सके हैं। यानी कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो तरीका आप सीख के इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं वो गलत है। अगर आप सोचते हैं कि इस तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ कि इंग्लिश में दो तरीके होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो अमेरिका या लंदन में लोग रहते हैं, क्या लोग वो लोग इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे क्यों इस तरीके से क्यों नहीं सीखते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर उनको तो हिंदी भी नहीं आती और हम हिंदी को इंग्लिश में बताते हैं कि का को के बोलते हैं, अब उनको तो का भी नहीं पता तो उनको इंग्लिश कैसे आती है? अब आप कहेंगे वो तो इंग्लिश बोलते हैं उनको इसलिए इंग्लिश आ जाती है, लेकिन वो लिखते पढ़ते तो अलग से ही होंगे ना, उनको पढ़ना तो सीखना ही पड़ता होगा, लिखना तो सीखना ही पड़ता होगा ना, वो कैसे सीखते हैं? तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जो रियल में इंग्लिश सीखने के लिए होता है। आप लोगों को पता है हमारे इंडिया के जो काफी सारे स्टूडेंट है वो इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? क्योंकि वो इस तरीके से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं और जो तरीका बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे तो सही तरीका क्या है, वो मैं बताऊंगी। जैसे कि इंग्लिश दो तरीके की होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट होती है आपकी हिंदी वाली इंग्लिश, यानी कि हिंदी वाली इंग्लिश। एक होती है हिंदी वाली इंग्लिश, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, और एक होती है इंग्लिश वाली इंग्लिश। अब आप कहेंगे ये मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब आपको पता है जब हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे आपने मेरा मैंने अपना नाम लिखा कनक, तो ये जो नाम है ये हिंदी वाला नाम है। मैंने बोला मैं मेरा नाम कनक है, हम व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज करते हैं, मेरा नाम, चलिए ये तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं, नाम कनक है। अब ये क्या इंग्लिश है? नहीं, ये हिंदी है। जी हाँ, ये हिंदी है। इंग्लिश कौन सी होती है? जैसे आप इंग्लिश जो नाम होते हैं, चलिए नाम तो सबके एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। और अगर आप जैसे बोलते हैं मेरा नाम कनक है, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, आई एम कनक। और आप लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना, वो ये वाली सीख रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो सही से सीखते हैं, हमें रीडिंग भी उससे समझ में आते हैं। नहीं, अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, आप कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये तरीका भी होता है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश में क्या फर्क है, ये आपको पता चल गया। अब मैं आपको मेन फर्क बताऊंगी जो हम जीरो से सीखते हैं और वहीं हम गलतियां कर जाते हैं और उसी के पीछे हम पड़े रहते हैं और फिर हम इंग्लिश नहीं सीख पाते और हम कहते हैं इंग्लिश पढ़ना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप इंग्लिश सीखेंगे तभी तो आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है जो नहीं आपको पता है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको वोवल्स ही बताती हूँ, जो मात्राएं होती है जिसे हम वोवल्स कहते हैं। अब हम वोवल्स कैसे याद करते हैं? हम वोवल्स ऐसे याद करते हैं, यानी कि मात्रा, हिंदी में हम इसे मात्रा कहते हैं और इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं। जैसे आप श्योर भी बोल सकते हैं, श्योर, ठीक है। अब जैसे आपने याद किया आ, आप कहेंगे आ के लिए ए होता है, ये गलत है। आप देखिए ये गलत है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में आ का मतलब यू होता है। क्या आप जानते थे कि इंग्लिश में आ का मतलब यू होता है? अब आप कहेंगे कैसे, आ का मतलब यू कैसे हुआ? अब आप मान लीजिए कोई नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई नाम लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा काम, हम काम लिखते हैं ना, काम, मैं काम पर हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो हम ऐसे लिखते हैं। मान लीजिए आप डबल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने लिखा कट, यानी कि काटना, यहाँ पर आप का के लिए सी लिखते हैं, यू लिखते हैं, टी लिखते हैं, यहाँ पर जो हल्की सी आ की आवाज थी ना, देखिए। अब आप मान लीजिए कम ही लिख रहे हैं, आप काम नहीं लिख रहे, आप कम लिख रहे हैं, कम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर हम कट लिख रहे हैं, ना ही यहाँ पर कोई मात्रा है ना ही यहाँ पर कोई मात्रा है, लेकिन यहाँ पर हमने ए लिखा है और यहाँ पर यू लिखा है, क्यों? क्योंकि ये हिंदी वाली इंग्लिश है,
और हिंदी वाली इंग्लिश में हम ए लिखते हैं आ के लिए, और इंग्लिश वाली इंग्लिश में हम यू लिखते हैं आ के लिए। आप पता चला क्या है दोनों में फर्क? देखिए ये फर्क है, कभी आपने कोई इंग्लिश नाम में किसी भी इंग्लिश आपकी वर्ड मीनिंग है उसमें आपने ए लिखते हुए देखा आ के लिए? नहीं देखा होगा। दूसरा एग्जांपल एक और बता देती हूँ, जैसे आपने लिखा मान लीजिए आपने लिखा मान लीजिए पन लिखा, मान लीजिए पन ही लगा लीजिए कुछ भी, मैं अभी तो ऐसे लिख रही हूँ पन, और यहाँ पर आपने लिख दिया बस। बस इंग्लिश में भी हम इसे बस ही बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए बस आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो आप बस ऐसे लिखेंगे BAS अगर आप हिंदी वाला लिख रहे हैं तो, लेकिन अगर स्पेलिंग वाला लिखेंगे तो US होता है। अब आप कहेंगे यू क्यों आया, आपने कभी सोचा है कि इसमें यू क्यों आया, जबकि हमें बोला जाता है कि बीच में जब कोई भी वोवल्स नहीं होता है तो हमें आ के लिए ए लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर हम यू क्यों लिखते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर जो आ है ना वो स्पेलिंग वाला है, इंग्लिश में बस को बस ही बोलते हैं, तो बस जो होता है ना आपका वो इंग्लिश वाला है। कौन सा है? इंग्लिश वाला। अब मैंने आपको बोला जैसे कि ये तो वोवल्स है, अभी मैं आपको कॉन्सोनेंट भी बताऊंगी जो आप गलत याद करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे आपने लिखा मान लीजिए इंग्लिश में कुछ ऐसी मात्राएं भी होती है जो आपको पता ही नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यू, यू की मात्रा होती है, लेकिन हिंदी में हमारी यू की मात्रा नहीं होती है, आउ की मात्रा होती है जिसको हम ओ और यू लिखते हैं। और दूसरी आपका मतलब एक होती है आई, आई की मात्रा, जैसे आप लिखते हैं लाइक, क्या हिंदी में आई की मात्रा होती है? नहीं, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये सोचिए कि जब ये मात्रा नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ और एक मात्रा को कि कैसे पता चलेगा हिंदी और इंग्लिश मात्रा को। देखिए जैसे मैंने लिखा, अभी थोड़ा कॉन्सनेंट का भी समझा देती हूँ। हम जैसे हिंदी में कॉन्सनेंट लिखते हैं का, का के लिए के लिखते हैं, लिखते हैं यानी, लेकिन ये हिंदी वाला का है। आप कहेंगे हिंदी वाला का? हाँ जी, अगर आपको काम लिखना है तो आप क्या लिखते हैं? के लिखते हैं का के लिए, लेकिन अगर आपको लिखना है कप तो आप सी लिखते हैं। अब आप कहेंगे हिंदी में तो के भी होता है। हाँ हिंदी में के, सॉरी हिंदी में तो के होता है, लेकिन इंग्लिश वाली जो हमारी इंग्लिश वाली इंग्लिश होती है उसमें आपको का के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन हिंदी वाली में सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है के। आप जैसे कि आपको भी पता है, आपको मैंने बोला काइट तो आप काइट तो लिखते हैं जैसे KIT, लेकिन आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सब जगह के ही लिखेंगे, कुछ जगह आपको सी भी लिख सकना पड़ सकता है, जैसे आपने कप लिखा, कुछ जगह सी के भी लिख सकते हैं जैसे सिक लिखा, तो सभी में का है, लेकिन इसके तीन तरीके हैं। ये इंग्लिश वाली इंग्लिश है और इसमें आपको एक ही तरीका है, वो है आपको सिर्फ के लिखना है, कहीं पर भी का आएगा हिंदी में। अब ये हिंदी वाली हिंदी कहाँ पर काम आती है? ये आती है जब आपको कोई नाम लिखना हो या आप कोई मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहे हो, तब आपको ये हिंदी वाली इंग्लिश लिखनी होती है। अब हिंदी वाली जो इंग्लिश है उसकी पहचान ये होती है कि जब भी जो भी चीज आप हिंदी में बोल रहे हो उसको हिंदी में ही लिखना, जैसे काम को हिंदी में काम बोलते हैं तो यहाँ भी आपने काम लिखा, लेकिन अगर आप इसे स्पेलिंग में लिखेंगे तो ये वर्क हो जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जड़ समझा देती हूँ कि कैसे समझ में आएगा, ये समझ गए तो आप कभी भी गलत इंग्लिश नहीं बोलेंगे और ना ही लिखेंगे। चलिए आप बेसिक समझ लेते हैं, तो आपको फर्क तो पता ही चल गया होगा कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। क्या सच में आपको ये नहीं पता था? और नहीं पता था तो आप इसे याद करिएगा, जैसे कि पहले मैं मात्रा ही लिखवा देती हूँ, जैसे अ, आ के लिए हम ए लिखते हैं, ये है हिंदी वाली, और इंग्लिश वाली स्पेलिंग में क्या लिखते हैं? दिख रहा है ना आपको? हाँ, आ के लिए यू लिखा जाता है। उसके बाद बड़ा आ, जिसके लिए हम डबल ए लिखते हैं या फिर ए लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश वाली में हम सिर्फ ए लिखते हैं, बड़ा आ कभी नहीं लिख सकते। दूसरा है छोटी ए की मात्रा, इसके लिए हम आई लिखते हैं, और इंग्लिश में हम आई ही लिखते हैं, ये दोनों एक ही जैसा है, ये भी और ये भी। इसके बाद बड़ी, बड़ी के लिए हम डबल ही लिखते हैं और आई भी लिख सकते हैं, जो हमारी हिंदी वाली इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश वाली स्पेलिंग में आप बड़ी के लिए
आई नहीं लिख सकते, या तो आपको उसके लिए डबल ई लिखना होगा या फिर ई और ए लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने लिखा ऊ की मात्रा, अब देखिए जो आपकी हिंदी वाली इंग्लिश है उसमें आप यू लिखते हैं, लेकिन जो आप स्पेलिंग लिखते हैं ये होते हैं स्पेलिंग। अब आप जब कोई स्पेलिंग लिखेंगे तो यहाँ पर ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखा जाता है, यू नहीं लिखते हैं स्पेलिंग में। ये सिर्फ हिंदी तक ही सीमित रहेगा, आप हिंदी में ही लिख सकते हैं, लेकिन ये आप जो इंग्लिश की स्पेलिंग लिखते हैं उसमें काम आता है। उसके बाद ये जो होती है ये आपके छोटे और बड़े ओ दोनों के लिए कहलाई जाती है, यानी कि छोटे ओ के लिए भी डबल ओ लिखते हैं, बड़े ओ के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी है ये छोटे ओ के लिए लिखा जाता है और बड़े ओ के लिए आप डबल ओ लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप बाद में मैं आपको और समझाऊंगी। तो जिन्हें भी यहाँ पर मजाक करना है वो क्लास से जा सकते हैं, लेकिन जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं वो दूसरों को भी पढ़ने दो, और आप खुद को आपको नहीं पढ़ना है तो प्लीज मत पढ़ो, लेकिन पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, प्लीज सीरियसली इसे पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का टाइम हम मुश्किल से वैसे 10-15 मिनट का निकालते हैं, और उसमें भी अगर आप ये सब करेंगे तो आप दूसरों को भी पढ़ने नहीं देंगे। तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि सीरियसली होके पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं। अगर आप ये सीखते हैं तो ये आपके काम आएगा, मेरे नहीं। तो प्लीज सीरियसली पढ़िए, और ये मैं सबसे कह रही हूँ, बाकी सब अच्छे से पढ़ें, लेकिन एक दो की वजह से अगर आप दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो प्लीज आप लोग ऐसा ना। मैं विनती करती हूँ उन लोगों से जो यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं और स्टूडेंट को। तो ये आपने लिख लिया होगा, अब मैं आगे समझा देती हूँ। अब जैसे कि एक ही मात्रा, अब जैसे आप एक ही मात्रा लिखते हैं, यहाँ पर एक ही मात्रा के लिए हम ई लिखते हैं। आपको पता है जब भी हम हिंदी वाली ए लिखते हैं तो एक ही मात्रा के लिए ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं हिंदी लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े, ए के लिए ए लिखते हैं। लेकिन जो आपकी इंग्लिश वाली इंग्लिश है, जो आप रियल में स्पेलिंग में लिखते हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कैसे ये काम करता है। तो देखिए, इंग्लिश में ए के लिए सिर्फ ई नहीं लिखा जाता, ए भी लिखा जाता है, ये आप भी जानते हैं। आपने कई एग्जाम्पल है जैसे कैट ही हो गया, तो यहाँ पर ए के लिए ए लिखा जा रहा है, लेकिन जो आपकी हिंदी वाली ए है उसमें आपको सिर्फ ई लिखना होता है। जैसे आपने लिखा जैसे मान लीजिए नेक हो गया, तो हम इसमें ई ए के लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग में आपको दोनों में से कोई सा भी लिखना पड़ सकता है। लेकिन हिंदी वाली इंग्लिश में आप ए नहीं लिख सकते, अगर आप यहाँ ए लिख देते हैं तो ये नाक हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में आप ए लिख सकते हैं, तो ये फर्क है। और अगर ये आपको पता है ना तो गारंटी से कहती हूँ आप कभी भी इसको गलत नहीं पढ़ेंगे और ना ही गलत लिखेंगे। आपको पता है हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट है वो स्पेलिंग क्यों गलती करते हैं, क्योंकि वो अक्सर सिर्फ इसी वाली स्पेलिंग को याद रखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये रूल्स भी होते हैं और इसको भी लिखा जाता है। लेकिन अगर वो इस तरीके से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अब जैसे बड़े ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा के लिए हम ए आई लिखते हैं, जो आपकी स्पेलिंग नहीं है, जो हिंदी है। जैसे मैंने बोला नेना या मेना ही बोला, मैं ना, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे एम ए आई एन ए, लेकिन आपकी जो स्पेलिंग होती है जिसमें बड़े ए की मात्रा लिखते हैं उसमें हम सिर्फ ए आई नहीं लिखते हैं, उसमें हम ए वाई भी लिखते हैं, और ये आप भी जानते हैं। जैसे कि आपने लिखा मेन यानी कि इम्पोर्टेंट, और दूसरा आपने लिखा पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए वाई भी लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ आप ए वाई नहीं लिख सकते। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं और वहां पर आपने ए और आई लिख दिया, मान लीजिए अगर मैंने नेना बोला और अब नेना, अब मान लीजिए मैंने लिखा मैं आप सिंपली मैं लिख रहे हैं हिंदी में बड़े की मात्रा, तो आप इसमें ए वाई नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग में लिख सकते हैं क्योंकि वो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ओ की मात्रा, आप देखिए ओ की मात्रा के लिए हम ओ लिखते हैं और स्पेलिंग में भी नॉर्मली ओ लिखते हैं, ये आपको भी पता है। तो ये कुछ चीज ऐसी जो एक जैसी होती है लेकिन कुछ बिल्कुल अलग भी है, जैसे ए वाई हो गया। इसी तरीके से जैसे बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा के लिए हम ए और यू लिखते हैं या फिर ए ओ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर यू लिखते हैं क्योंकि हिंदी में तो यू लिखा जाता है, लेकिन बड़े ओ की मात्रा
अब आपकी स्पेलिंग में कैसे पता चले? इसके लिए आप ए ओ भी लिख सकते हैं, ए यू भी लिख सकते हैं, ए डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तीन तरीके हैं। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे लिखना है? तो देखिए, अगर आप स्पेलिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये आपको नंबर दिख ही रहा है, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। 3000 की क्लास सिर्फ 1000 में मिलेगी, जिसमें आपको पढ़ना लिखना दोनों सिखाया जाएगा। और अगर आप नहीं सीखना चाहते, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप फ्री में सीखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके 9 बजे क्लास ले सकते हैं। सुबह 7 बजे हम सिर्फ रीडिंग भी कराते हैं, बुक रीडिंग, तो आप उसे भी कर सकते हैं, बुक रीडिंग भी सीख सकते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए एक एक टॉपिक बनाती हूँ और आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, लाइक वैसे ही कर देंगे, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। एक चीज और बोलूंगी, लोगों को वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई हम सबके लिए बहुत जरूरी है, फिर चाहे मेरी वीडियो हो या किसी की भी। लेकिन अगर पढ़ाई की कोई भी वीडियो है तो उसको प्लीज आप पंजाबी में, मैंने पंजाबी में भी एक वीडियो बनाई है मेरे दूसरे चैनल पे, जिसमें मैं पंजाबी और उर्दू में भी इंग्लिश सिखाऊंगी। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कम्युनिटी टैब में, आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने अल्फाबेट से स्टार्ट करा पंजाबी, आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। अब मैं आगे लिख देती हूँ जो कॉन्सोनेंट है, ये तो आपकी मात्रा थी, लेकिन अब मैं कॉन्सोनेंट बता देती हूँ। जिनको भी पंजाबी में इंग्लिश सीखनी है और उर्दू में, उनके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया जिसमें मैंने पंजाबी और उर्दू में ही इंग्लिश सिखाऊंगी। मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को इस वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सोनेंट बता देती हूँ। जैसे कि कॉन्सोनेंट में सबसे पहले का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देती हूँ। हिंदी का मतलब समझ जाइएगा, जो हम नाम और मैसेज करते हैं वो होती है हमारी हिंदी। और इंग्लिश का मतलब तो आपको पता ही है, कोई भी स्पेलिंग जो हम रियल में इंग्लिश लिखते हैं वो होती है इंग्लिश, ठीक है। थोड़ा दिख रहा है या नहीं क्लियर? हाँ, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैं थोड़ा इधर की साइड लिख देती हूँ हिंदी, क्योंकि ना उधर को थोड़ा स्पेस कम है, और ये ठीक है। आप जैसे पहला का, आपको पता है का के लिए हम हिंदी में तो के ही लिखते हैं, जब आप काम लिखते हैं कुछ भी तो का के लिए के लिखते हैं। लेकिन जो स्पेलिंग होती है उसमें का के लिए तीन तरीके से लिखा जाता है, पहला के सी और सी के, ठीक है। दूसरा है खा, खा के लिए हम के और एच लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग में खा नहीं होता है, आपको भी पता होगा। खा कभी सुना आपने, कोई खास से स्पेलिंग सुनी हो जो इंग्लिश स्पेलिंग नहीं होती है, खास से कोई स्पेलिंग नहीं होती। फिर है आपका ग, गा के लिए हम जी लिखते हैं और ये स्पेलिंग में भी ग लिखा जाता है, जैसे कि गेट, तो इसमें भी आपको जी लिखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका घ, घा के लिए जी और एच लिखा जाता है, लेकिन स्पेलिंग में घा नहीं होता है, घा से कोई स्पेलिंग नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ हिंदी में ही होती है, इंग्लिश में नहीं होती है। तो अगर आप चाहे सिर्फ इंग्लिश का भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चा, चा से सी एच होता है और ये इंग्लिश में भी होता है, जैसे चर्च हो गया, चैंप हो गया, और इसमें चा के लिए सी एच होता है। जो अलग होंगे वो भी मैं लिखवा दूंगी, इसको नोट कर लीजिए एक जल्दी से, फिर मैं आपको आगे का लिखवाऊंगी। पूरी क्लास जरूर देखिएगा अगर सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ सभी लोग इंग्लिश सीखें, इसलिए मैंने आपके लिए ये अलग से समझाने के लिए बनाया, क्योंकि हम कभी इस तरीके से सोचते ही नहीं है कि ये भी तरीका होता है, तो वो तरीका सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ओके। अब मैं उसके आगे का लिख देती हूँ, जैसे कि छ, छ के लिए सी डबल एच लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में छ नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा छ से कोई स्पेलिंग नहीं होती है, तो छ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ज, तो ज के लिए जे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आइए स्पेलिंग में, स्पेलिंग में ज के लिए दो तरीके से लिखा जाता है, पहला जे और दूसरा आपका जी, दोनों ही तरीके से आप जा लिख सकते हैं, जैसे कि जोकर और दूसरा आपका जैसे जग वगैरह, कुछ भी जग भी लिखते हैं, जोकर भी लिखते हैं, और जा से तो आपको पता ही है, जिंजर हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका झ,
झा का जे और एच होता है, लेकिन झ स्पेलिंग में नहीं होता है। उसके बाद है आपका ट, आपका टी होता है और स्पेलिंग में भी ट का टी होता है। उसके बाद है आपका ठ, ठ का टी एच होता है लेकिन स्पेलिंग में ठ वगैरह नहीं होता है। ये आप भी जानते होंगे, ठ से कोई स्पेलिंग सुनी है कभी इंग्लिश में? नहीं सुनी होगी, क्योंकि इंग्लिश में होती ही नहीं है। तो जो नहीं होता वो आपको बस इसलिए पता होना चाहिए ये वाले रूल्स, ताकि आप नाम लिख सके और जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं नॉर्मल कर सके। लेकिन अगर इंग्लिश सीखनी है तो ये याद करिए, ये याद करिए, ये नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है, तो उसको आपको ये काम करनी है। उसके बाद जल्दी से इसे नोट करिएगा, मैं आगे समझाऊं आप लोगों को। उसके बाद जैसे कि ड, ड के लिए डी लिखते हैं और स्पेलिंग में भी ड होता है, ठीक है। एक दो वर्ड मीनिंग में डा जा के लिए भी लिखा जाता है, वो सब बाद में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखती हूँ। उसके बाद है आपका ढ, ढ के लिए डी एच लिखा जाता है लेकिन स्पेलिंग में ढ नहीं होता है, स्पेलिंग में कोई ढ से वर्ड मीनिंग नहीं है। उसके बाद है आपका अड़ा, अड़ा का एन होता है लेकिन स्पेलिंग में अड़ा नहीं होता है, तो नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद है तो, ता का टी होता है लेकिन स्पेलिंग में ता नहीं होता है। आपने कभी ता से कोई स्पेलिंग सुनी है? नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो ट से होती है, ता से कोई स्पेलिंग होती ही नहीं है, तो ये इंग्लिश में नहीं होता है। तो प्लीज अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि ता के लिए टी भी लिखा जाता है, तो वो सिर्फ हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में ता वगैरह नहीं होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए मैं इसको लिख लीजिएगा जरूर, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलत सीखेंगे तो गलती लिखेंगे और गलती पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका थ, था के लिए टी एच लिखा जाता है और यहाँ पर भी था होता है और जिसके लिए हम टी एच लिखते हैं। उसके बाद है आपका द, द के लिए डी लिखा जाता है लेकिन इसे ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग में द के लिए डी नहीं लिखा जाता, टी एच लिखा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। द के लिए टी एच लिखते हैं इंग्लिश स्पेलिंग में, लेकिन हिंदी में डी लिखते हैं, ठीक है। फिर है द, ध, धा के लिए डी एच लिखते हैं जो कि स्पेलिंग में नहीं होता। फिर है न, ना के लिए एन लिखा जाता है और स्पेलिंग में भी एन ही लिखते हैं। फिर है प, प के लिए पी लिखते हैं और स्पेलिंग में भी प के लिए पी लिखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए, फिर मैं आपको और आगे समझाऊंगी। लिख लिया होगा आप लोगों ने, उसके बाद है आपका फ, फ के लिए पीएच भी लिखते हैं और एफ भी लिखते हैं। वैसे तो पहले सिर्फ एफ लिखते थे, लेकिन अब पीएच भी लिखने लगे लोग बस, तो इसलिए पीएच भी ऐड कर दिया गया है, और स्पेलिंग में भी दोनों ही सेम लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब, ब के लिए बी लिखा जाता है और ब के लिए यहाँ भी बी लिखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है, जैसे बॉल हो गया। उसके बाद है भ, भ के लिए बी एच लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में भ नहीं होता है। उसके बाद है आपका म, म के लिए एम लिखा जाता है और जो स्पेलिंग में भी एम ही होता है। फिर है म के बाद य, या के लिए वाई लिखते हैं और स्पेलिंग में भी वाई लिखते हैं, क्योंकि यस लिखते हैं ना, तो इसको नोट करिए, फिर मैं और लिखवाऊंगी। जल्दी जल्दी ध्यान से इसे लिखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए करा है, ताकि थोड़ा क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट कैमरा थोड़ा साफ कर देती हूँ, अब दिख रहा है क्लियर? हाँ सॉरी, थोड़ा पता नहीं क्या हो जाता है अपने आप ही। चलिए अब आगे लिखवा देती हूँ, फिर है आपका र, र के लिए आर लिखा जाता है जो कि स्पेलिंग में भी आर ही होता है। फिर है ल, ल के लिए एल होता है और स्पेलिंग में भी ल के लिए एल ही लिखा जाता है। फिर है व, व के लिए डब्ल्यू और वी दोनों लिखते हैं जो कि स्पेलिंग में भी होता है, लेकिन हिंदी में वी ही लिखेगा, डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, और स्पेलिंग में दोनों ही लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर है श, शा हमारा हिंदी में भी होता है और स्पेलिंग में, जैसे फिश लिखते हैं ना, तो एस एच होता है। फिर है आपका ष, षटकोण, ष, षटकोण सिर्फ हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता है,
ठीक है, इसको भी जल्दी से लिख लीजिए, फिर और समझाऊंगी। तो जल्दी जल्दी सभी इसे लिखिए ताकि आपको, थैंक यू खुश जी, तो जल्दी से इसे लिख लिया आपने। चलिए अब आगे बता देती हूँ। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने श तक लिख लिया था, फिर है श। श के लिए एस लिखा जाता है और यहाँ पर भी एस ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सी भी लिखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम सी भी लिखते हैं। ये क्या हो रहा है, ब्रल क्यों हो रहा है, अब दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी। तो देखिए, श के लिए एस और सी दोनों लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ एस लिखेंगे, कभी भी सी मत लिखिएगा। हिंदी में सिर्फ एस लिखते हैं। जैसे हिंदी का मतलब क्या है, कोई भी नाम या मैसेज में। इंग्लिश का मतलब है जो हमारी स्पेलिंग होती है, जैसे कि जो भी हम इंग्लिश में बोलते हैं वो सब स्पेलिंग होती है। उसके बाद है आपका ह। ह के लिए एच लिखा जाता है और इंग्लिश में भी ह के लिए एच ही लिखते हैं। उसके बाद है आपका कश, इसको हम के एस एच लिखते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं होता है, क्योंकि ये क प्लस श से मिलके बना है, जिसको हम क बोलते हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगी, जो एक्स्ट्रा लेटर इंग्लिश में होते हैं, जो हिंदी में दिए ही नहीं गए, वो कौन कौन से अभी बताऊंगी। जैसे फिर ग्या, ग्या का देखिए ये बनता है ग प्लस या से, इसलिए हम ग का जी और वाई लिखते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में नहीं होता है। और फिर है आपका त्र, जो कि त प्लस र से बना है, इसलिए हम इसका टी आ लिखते हैं, जो कि स्पेलिंग में नहीं होता, इसका कोई वजूद नहीं है स्पेलिंग में, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए जो है वो हिंदी में तो बताऊंगी। अभी मैं लिखूंगी एक्स्ट्रा स्पेलिंग, जो होती है हिंदी में नहीं होती, इंग्लिश में होती है, वो कौन सी है वो जानते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लिखवा देती हूँ, एक्स्ट्रा इंग्लिश स्पेलिंग और इंग्लिश जो लेटर है और कौन कौन से होते हैं जो आपको नहीं पता है। जैसे कि पहला है आपका क्यू, जो इंग्लिश में नहीं होता है। अब इसके लिए हम इसको कब पढ़ते हैं, लेकिन क्यू हमेशा यू के साथ आता है, इसलिए इसको क्यू और यू लिखा जाता है, और इसका होता है कब। उसके बाद है हमारा जेड, जिसका मीनिंग होता है जा, जो हिंदी में तो नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका यू, जो कि आपकी स्पेलिंग में नहीं होता है, जिसका मीनिंग यू होता है। फिर है आपका आई, जो हम लाइक बाइक वगैरह लिखते हैं, उसके लिए हमें आई लिखना होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ एक्स्ट्रा है। और एक और है एक्स, जो हमारा हिंदी में नहीं होता, जिसको हम कश पढ़ते हैं, ये भी आपको नहीं पता होगा, तो ये भी आप लिख लीजिए। ये एक्स्ट्रा हैं जो आपको हिंदी में नहीं सिखाए जाते, लेकिन इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्रा जो आपको खगा में भी नहीं दिखते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अक्सर हम इन चीजों में कंफ्यूज भी रहते हैं कि इसको कैसे पढ़े, तो अगर आपको ये नहीं बताते तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये भी एक और चीज बता दूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इसी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और हाँ, एक और चीज बोल दूं, जिनको ये क्लास पसंद आई हो वो यस करके मैसेज करिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। और सभी से कहूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता चलना चाहिए। ओके, बाय एंड गुड नाइट। Bye.